bismillah rahman rahim assalamu alaikum dear students myself dr sayyid anwar and i'm back with a new topic of electromagnetism today let's watch dear students today we are going to study that how we can convert this moving coil galvanometer into a voltmeter this is a voltmeter which we usually use in our labs for the practical purpose you can see that there are the three knobs on the voltmeter which we have observed earlier for a galvanometer and an ammeter The black knob is connected to the negative terminal of the battery, whereas the two red knobs are always connected to the positive terminal of the battery, which are settled according to the desired range of the potential difference which we want to measure through a voltmeter. Now let's study this voltmeter in detail. The topic of discussion today is voltmeter. Uh, students, अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हमने इन डी प्रीवियस लेक्चर हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वोल्टमीटर. नो व्हाट इज अ वोल्ट मीटर सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन में है अ वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मईर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन टू पॉइंट्स वोल्ट मीटर से आप क्या करते हैं हमेशा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी भी सर्किट में, में से अगर करंट फ्लो कर रही हो तो उस सर्किट के किसी भी दो टर्मिनल्स के दरम्यान में आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स इट इज जस्ट सिमिलर दैट इन अ सेल अगर आप एक सेल लें जिसके ऊपर वोल्टेज अक्सर लिखी होती है वन पॉइंट फाइव वोल्ट तो आप उस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो उसकी वोल्टेज होती है वो आप मयर कर सकते हैं बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड एक्टिव टर्मिनल दैट इज मोस्टली अबाउट वन पॉइंट फाइव वोल्ट फॉर अ टिपिकल सेल ठीक है तो ये आपका वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर भी कन्वर्जन ऑफ गलवे से ही बनता है तो डेफिनेशन में तो आपने यही दो लाइन्स लिखनी है सबसे पहले कि व्हाट इज वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करते हैं या वोल्टेज मैय करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स और उसको आप वोल्ट्स में मैयर करते हैं ठीक है क्योंकि जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो वोल्ट है ठीक है फिर बाद में आप अकॉर्डिंगली अगर आपको बड़ी वोल्टेज है या स्मॉल वोल्टेज है तो उस तरह से आप उसको मिली वोल्ट uh, माइक्रो वोल्ट आप उस फॉर्म में वो प्रिफिक्स यूज करके लिख सकते हैं लेकिन जो बेसिक ऐसा यूनिट है वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एंड इट इज वोल्ट अच्छा उसके बाद इसकी आ जाती है एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन जैसे हमने कलेब के लिए किया था सेम उसी स्टेप्स पर हम वोल्ट मीटर के लिए भी करेंगे दिस टू इज मेड बाय मॉडिफाइंग का गलवानोमीटर यह भी उसी तरह बनता है जैसे एम मीटर को हमने मॉडिफाई करके गलवानोमीटर से एम मीटर बनाया था इसी तरीके से वोल्ट uh, मीटर भी हम गलवेनोमीटर को मॉडिफाई करके uh, उससे हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं वो मॉडिफिकेशन कैसी है अगर आप इन दोनों का कंपेरिजन फॉर्म में अगर आप देखेंगे इन दोनों को लेकर चलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए याद करना आसान हो जाएंगे जो मॉडिफिकेशन आपने करनी है टू कन्वर्ट अ इन टू एन इंटू अ वोल्ट मीटर इट इज इट इज जस्ट सिमिलर टू द जैसे हमने एम मीटर की कन्वर्जन की कराई थी गलवानोमीटर से लेकिन दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए एम मीटर में आपने एक शंट रेजिस्टेंस यूज किया था जैसे हमने ये कल हम देख सकते हैं वोल्ट मीटर में आपको एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए जिसको आपने गलवानोमीटर के साथ सीरीज में लगाना है और जब आप एक हाई रेजिस्टेंस को यानी आर एच जिसको आप इधर देख सकते हैं आर एच और आर है और सब्सक्रिप्ट में एच लिखा हुआ है इट मीन्स हाई रेजिस्टेंस जब एक बहुत हाई रेजिस्टेंस आप गलवेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो जाती है तो जो टोटल वोल्टेज जो टोटल सर्किट है उसकी जो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होगी दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस एंड द रजिस्टेंस ऑफ गुलवानोमीटर यानी फिर जो आपका टोटल उस सर्कट की वोल्ट मीटर की जो रजिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ हाई रजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ गुलवानोमीटर क्योंकि अब वो रैसी प्रोकल नहीं आएगा अगर आपको याद हो कल हमने ये इस फॉर्म में देखा था कि वो रैसी प्रोकल हो जाती थी रेजिस्टेंस क्योंकि वो पैरल कॉम्बिनेशन की वजह से अब हम जब हाई रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगाएंगे ग्लवानोमीटर के साथ तो अब दोनों की रजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी और आपको पता है रेजिस्टेंस जब ऐड हो जाती हैं तो उससे और ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा और और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगी और करनी भी चाहिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा वोल्ट मीटर बने तो उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करनी चाहिए जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी तो आप अच्छे तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स यू कैन मैयर इट एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं ठीक है अब जैसे अब ये करंट फ्लो कर रही है ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से फ्लो करेगी कन्वेंशनल करंट और इस तरह से फ्लो करती हुई सिंगल करंट आई अब आई के दो टर्मिनल्स नहीं बन रहे कोई और करंट क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही करंट फ्लो करती है ठीक है एक ही करंट है और एक ही पोटेंशियल डिफरेंस भी है बिटवीन द टू पॉइंट्स तो ये सिंगल करंट आई फ्लो कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी और ये करंट फ्लो कर रही है आपकी हाई रिजिस्टेंस आरथ से भी और यही करंट आई जो है वो आपकी गिलवानोमीटर से भी फ्लो कर रही है ठीक है और उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉज ये नेगेटिव टर्मिनल आप अक्सर हम ना जीरो वोल्ट के ऊपर लेते हैं यानी आपका जिस तरह सेल के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बने होते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट को टू वो जीरो वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जीरो वोल्ट को रिस्पॉन्ड करती है जबकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर आपकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है अगर आप सेल की बात करें तो वो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो तकरीबन वन पॉइंट फाइव वोल्ट होती है तो जब आप डी सी सप्लाई में ये जो नेगेटिव पॉइंट है आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज एट जीरो वोल्ट और ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका फॉर अ सिंगल सेल जो आप यूज करते हैं वो 1.5 वोल्ट होती है तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आप मैयर कर सकते हैं अब आपने जस्ट लाइक इन एम मीटर आपको पता है कि हमने सारा प्रोसीजर इसलिए किया था कि हम वहाँ से शर्ट रजिस्टेंस निकाल सकें और उस शर्ण रजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हमने पता की थी क्यों क्योंकि हमें उतनी अमाउंट का शर्ट रजिस्टेंस पैरल में लगाना था टू द गलवानोमीटर ताकि हम उसको एम मीटर में कन्वर्ट कर सकें नो सिमिलरली फॉर द वोल्ट मीटर अब हम हायर रजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं और जब हम जब हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी अमाउंट का हायर रजिस्टेंस चाहिए तो उतनी अमाउंट का हायर रजिस्टेंस हम गलवेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे ताकि रजिस्टेंस की वैल्यू और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए टोटल रजिस्टेंस की वैल्यू और कम से कम करंट फ्लो करे ताकि आप इजिली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकें फॉर द वोल्ट मीटर ठीक है तो यहां से एक्सप्लेनेशन है दिस टू इज मेड बाय मॉडिफाइंग गलवानोमीटर सिंस अ वोल्ट मीटर यानी गलवानोमीटर को मॉडिफाई करके आप इसको बनाते हैं एंड सिंस अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरल आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया था कि एम मीटर जो है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है यानी सीरीज में लगता है इन एन इन एनी सर्किट उसका शंट आप पैरल में लगाते थे टू द गलोमीटर टू कन्वर्ट इट इंटू इंटू एन एम मीटर बट वोल्ट मीटर में क्या होता है कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा रहे हैं टू द गलोमीटर टू मेक अ गलवेनोमीटर इन टू अ वोल्ट मीटर लेकिन जब वो वोल्ट मीटर बन जाएगा तो उसके बाद उस वोल्ट मीटर को आप हमेशा पैरल टू द सर्कट लगाते हैं किसी भी सर्कट में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप वहां पे अगर ये देखना चाहते हैं कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस उस उस सर्कट में है तो आप उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को मयर करने के लिए हमेशा उसको पैरल टू द सर्कट लगाते हैं ठीक है ये एक और डिफरेंस आ गया एम मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं जबकि वोल्ट मीटर को पैरल में कनेक्ट करते हैं टू एनी सर्किट इट मस्ट हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट विल नॉट शॉर्ट द सर्किट ताकि सर्किट को शॉर्ट ना कर सके ताकि इसमें से कम से कम करंट फ्लो करे अक्रॉस द वोल्टेज इज इज टू बी दिस कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस प्लेस इन सीरीज विद द मीटर मूवमेंट कल भी मैंने इस मीटर मूवमेंट के बारे में आपको बताया था मीटर मूवमेंट हमने कहा था कि वो पोर्शन होता है गलवेनोमीटर का जिसकी मोशन जो है जो मोशन ऑफ द नीडल ऑफ गलबानोमीटर जो उसको काज करता है ठीक है तो बेसिकली ये गलवेनोमीटर को ही कह रहे हैं ठीक है क्योंकि वो गलवेनोमीटर का ही एक हिस्सा होता है ना तो बेसिकली आप इसको गलवानोमीटर ही कंसीडर कर सकते हैं तो अब सपोज वी हैव मीटर मूवमेंट हुज रेजिस्टेंस इज आर जी मीटर मूवमेंट किसको कह रहे हैं गलवेनोमीटर को सपोज उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर जी है विच एंड विच डिफ्लेक्ट फुल स्केल विद अ करंट आई जी और इसमें से और अगर रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर आर जी है तो करंट जो गलवानोमीटर की होती है वो आई जी होती है अब मैंने आपको पता सिंगल करंट आई फ्लो कर रही है इसमें से तो मैंने जो है अब देखें सिंगल करंट आई जब इस रेजिस्टेंस आर एच से फ्लो कर रही है तो आर एच इज सच अई रेजिस्टेंस ये इतना बड़ा है कि इसके मुकाबले में जो करंट इसमें से फ्लो करेगी ये उस करंट को नेग्लिजेबल अमाउंट ऑफ करंट शुड पास थ्रू दिस हाई रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस हाई रेजिस्टेंस से पास करेगी जिस जो नेग्लिजेबल होगी तो जो आपकी टोटल करंट है वो बेसिकली करंट थ्रू द गवेनोमीटर जो है उसके इक्वल होगी यानी आप जो टोटल करंट आई है यू कैन कंसिडर दिस आई इज इक्वल टू यानी ये जो टोटल करंट है ये आपकी आई जी के इक्वल है दैट इज द करंट थ्रू द गलवानोमीटर तो बेसिकली आपकी जो टोटल uh, करंट है वो उतनी ही है जितनी ग्लवानो की करंट है ठीक है तो आपने इसमें जो है वो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं कंफ्यूज नहीं होना सो इन ऑर्डर टू मेक अ वोल्ट मीटर फ्राम विच फ्राम इट विच हैज़ अ रेंज ऑफ वी वोल्ट यानी अगर आप वी वोल्ट का वोल्ट uh, मीटर बनाना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस आर एच शुड बी सच दैट द फुल स्केल रिफ्लेक्शन विल बी ऑप्टेंड इतना हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए कि आपको फुल स्केल रिफ्लेक्शन इसकी मिल सके वेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस वी वोल्ट अंडर दिस कंडीशन द करंट थ्रू द मीटर मूवमेंट यानी गलवेनो मीटर की जो करंट है आई जी दैट शुड भी इक्वल टू द टोटल करंट जब आप हमला लगाएंगे वी इज इक्वल टू आई आर तो वी वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपका वी है उसको वो वी ही रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू आई आर अब आई कौन सी मैंने आपको कहा आर एच से तो बहुत नेग्लिजेबल अमाउंट ऑफ करंट गुजारी उसको आप निगलेक्ट कर देते तो आई कौन सी टोटल करंट जो कि आपकी आई जी के इक्वल है अभी हमने बात की कि आई जो है वो आपकी टोटल करंट है जो कि आई जी के इक्वल है और आर जो है आपका वो आपका दो आर है अब वो दो आर कैसे हैं ये इसके बाद वी जिक टू आई आर जब आप ओह ला लगाते हैं ना तो ये देखें टोटल रेजिस्टेंस आर जो है दैट इज द सम ऑफ अभी आपने पढ़ा कि हाई रेजिस्टेंस एंड क्लबानोमीटर रेजिस्टेंस यानी आर जी प्लस आर एच ठीक है जब वी जिको टू आई आर ओहम ला लगाएंगे वी वही रहेगा वी आई की जगह अब आप क्या लगा देंगे आई जी और आर की जगह अब आप क्या लगा रहे हैं द सम ऑफ द रेजिस्टेंस इज आर एच एंड आर जी ये ब्रैकेट में लगाएंगे ब्रैकेट ओपन करके ये मैंने इसका एक स्टेप कर दिया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे आपको यहाँ से क्या चाहिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए ये जो टर्म इधर प्लस हो रही है उधर जाके इक्वल के सेकेंड साइड पर माइनस हो जाएगी और ये जो आई जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आर एच के साथ क्योंकि आपको आर एच की वैल्यू चाहिए वो सेकेंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है ठीक है उसके बाद अब ये जो आई जी है ये आपकी दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर रही है ना यानी V के नीचे भी आई आ रहा है और आई जी आर जी के नीचे भी आई आ रहा है इस टर्म के साथ ये कैंसिल हो जाएगी सो यू कैन गेट दिस रिजल्ट आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी सो दिस इज़ द बेसिक जो आप निकालना चाहते थे द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस और कौन सी रेजिस्टेंस हाई रजिस्टेंस जिसकी वजह से आपका गलवेनोमीटर जब आप उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी भी वो वैल्यू आती है उसको जब आप गलवेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे तो आपका ये जो पूरा सेटअप है जो गलवेनोमीटर है वो एक वोल्ट मीटर फिर बन जाएगा विच इज यूज टू मईर द पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है अब यहाँ से आप इसका रिजल्ट शुरू करते हैं इफ़ द स्केल ऑफ द गलोमीटर इज कैलिब्रेटेड फ्राम जीरो टू वो वी वोट्स यानी यहां पे जीरो वोल्ट है और यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है जो कि हमने कहा कि वन पॉइंट फाइव वोल्ट भी होता है फॉर अ सिंगल सेल द कॉम्बिनेशन ऑफ द गवेनोमीटर एंड द सीरीज रजिस्टर एक्ट है वोल्ट मीटर विद रेंज जीरो टू वी वोल्टोपरली अरेंजिंग द रजिस्टेंस आर एच एनी वोल्टेज कैन बी मईड अच्छा अब प्रॉपर्ली अरेंज करने का क्या मतलब है आर को कि आपके इस हाई रेजिस्टेंस को इतना हाई होना चाहिए यानी जो आपका एज कम्पेयर टू एनी अदर रजिस्टेंस इन साइड द सर्किट यानी आपके सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेज लगी हैं आपके इस हाई रेजिस्टेंस को उन तमाम रजिस्टेंसेज से बड़ा होना चाहिए ये इसका मतलब है कि आप इसको किस तरह से अरेंज करेंगे जब आप हाई रेजिस्टेंस को लगाना चाहते हैं सीरीज में तो इसका मतलब है कि आपका हाई रेजिस्टेंस इतना हाई हो कि बाकी उसके मुकाबले में जितनी भी रेजिस्टेंसेस है सर्किट में वो स्मॉल हो और वो सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए था वी सी द वोल्ट मीटर प्रोसेस इज द हाई रेजिस्टेंस इट मे बी नोटेड द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द टू पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी इड बिफोर कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर इट शुड बी एश्योर दैट इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इन विद द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस विच इज कनेक्टेड अदरवाइज इट विल लोड द सर्किट अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप आर एच की वैल्यू को तो बाकी तमाम रजिस्टेंसिस से यानी रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर या अगर आपने कोई और भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है अगर आर एच की वैल्यू उससे उन तमाम रेजिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी तो फिर वो सर्किट को लोड कर देगी और लोड करने से क्या होगा कि इट विल अल्टर द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी यानी जो वैल्यू आप निकालना चाहते थे एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वो नहीं आएगी और वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा जो कि आपके लिए सही नहीं है तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या करना है कि ये जो आप हाई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इट शुड बी हाई एज कंपेयर टू द ऑल द रेजिटेंसिस कनेक्टेड इन साइड अ सर्किट ठीक है तो ये आपका टॉपिक था वोल्ट मीटर का आई होप आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और जी जिस तरह से मैंने पॉइंट्स बनाए डेफिनेशन उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड डेरीवेशन और उसके बाद ये रिजल्ट है आपका ये एग्जाम्पल फोर्टीन पॉइंट सिक्स बहुत ही शॉर्ट कम्पैक्ट सी एग्जाम्पल है इस तरह की मैंने एग्जाम्पल्स आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि सिंगल फार्मूला बेस्ड होती हैं तो क्या कहा है उसमें उन्होंने कहा वर्ट शंट रजिस्टेंस यानी शंट रजिस्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस द गवानोमीटर गिलवेनोमीटर की रजिस्टेंस उन्होंने आपको दी है क्या फिफ्टी ओम विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो आपको गिलवैनोमीटर की जो करंट uh, बता रहे हैं आई जी वो कितने दे रहे हैं टू मिलियन पेयर फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस में आती है गिलवेनोमीटर में ना तो ग्लवानोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रही है आई जी दैट इज टू मिलियन पेयर सो एज टू कन्वर्ट इट इंटू एन एम मीटर और आप इससे कौन सा आप गलवानोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं ना एम मीटर में तो कितनी रेंज का एम मीटर आप उससे बनाना चाहते हैं टेन एम्पेयर का तो ये आपकी आई है सो टेन एम्पेयर का आपने उसको बनाना है एम uh, मीटर और ये उसकी आई है ये सारी वैल्यूज़ आप अपने डाटा में लिखेंगे आपको पता है डाटा जो है वो नॉन और अन नॉन वैल्यूज की का को मिला के लिखते हैं और ये सोल्यूशन में सबसे ऊपर आप इसका ये डाटा बना लिए ठीक है नॉन एंड अन वैल्यूज उसके ये रेजिस्टेंस ऑफ गलवेनोमीटर करंट फॉर द फुल स्केल रिफ्लेक्शन दो काम करते हैं एक तो नॉन और अनोन वैल्यूज तो लिखते ही हैं और उसके अलावा जो वैल्यूज़ आपकी एस यूनिट में नहीं होती हैं उनको आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में भी डाटा में करते हैं जैसे ये टू मिली एम्पेयर है ना तो आप मिली प्रिफिक्स को खोल के टू इंटू ट्रांस पावर माइनस थ्री एम्पेयर यानी एस आई यूनिट में भी आप उधर ही कन्वर्ट कर लें डाटा के अंदर ही उसके बाद करंट टू बी मैड जो आपने करनी है वो टेन एम्पेयर है आपको इधर से क्या चाहिए अनोन वैल्यू वो आप लिख सकते हैं आर एस वो आप इधर से कैलकुलेट करना चाहते हैं और सिंपली आपने उसका फार्मूला लगा देना कि आर एस शुड बी इक्वल टू आई जी और आई माइनस आई जी ठीक है इन टू आर जी ये वो फार्मूला है जो आपने एम मीटर के टॉपिक में आर एस के लिए शंट रेजिस्टेंस के लिए निकाला था सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं आप इधर वैल्यूज़ पुट करें और सिंपल मैथमेटिक्स है वो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन ओह नो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रजिस्टेंस जो है कितना स्मॉल आ रहा है जीरो पॉइंट ज़ीरो वन ओह सो दैट्स वाई ये शंट का वैल्यू आना ही यानी आंसर ऑफ द शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल ऐसा ही आना चाहिए वो स्मॉल होगा तो ही एक्यूरेट करंट जो है वो मैयर हो सकेगी दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन इफ यू कैन कमेंट मी आल्सो नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर अल्लाह